भावना का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं, तब अपन ने भूदरदास जी की आश्रय भावना पढ़ी थी। आज अपन दौलत राम जी की आश्रय भावना देखते हैं। दौलत राम जी की आश्रय भावना निकालो पेज नंबर 137 छड़ाल में से निकालता। पेज नंबर 137 छड़ाल, दोहा नंबर 9, पेज नंबर 137 दोहा नंबर 9 आश्रव भावना मिला क्या? नहीं मिला तो दूसरी जिनवाणी ले लो, दूसरी छड़ा छड़ा वो भी तरह है ना, ये ले लो। और भी बहुत सारी छड़ा अपने निकाल लो, मिली जो योग ने की चपलाई ताते वे आश्रव भाई आश्रव दुख कार करने रे बुद्धिवंत तीन नीरवे। अब क्या लो किसके और ये जिनवाणी ले लो एक जो योगन की चपलाई इतनी और छड़ा ये लो। जो योगन की चपलाई, जो योगों की चपलाई माने जो योगों की चंचलता है ताते वे आश्रव भाई, वही क्या है आश्रव माने आश्रव का स्वरूप बताया ऐसे पंक्ति। देख क्या है आश्रव, योग है। योग माने मन वचन और काय, इनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, हलन चलन मूवमेंट का आत्मा के प्रदेशों का, आत्मा के जो असंग आत्मा के जो प्रदेश है, कितने प्रदेश है आत्मा के हैं, प्रदेश किसे कितने मालूम है? प्रदेश जो है क्षेत्र की इकाई का नाम है प्रदेश, जो आकाश का सबसे छोटा हिस्सा है उसको प्रदेश कहते हैं। आकाश माने जगह, जैसे अपन दुनिया में जगह नापते हैं तो अपनी क्षेत्र की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर सेंट मिलीमीटर ही ना अपनी, मिलीमीटर से भी और छोटा कुछ होता है क्या, नैनोमीटर, सेकंड तो टाइम की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई क्या है मिलीमीटर। तो ऐसे ही जो डिस्टेंस की सबसे छोटी इकाई जिनवाणी में बताइए, सबसे छोटी मतलब जगह की सबसे छोटी इकाई उसको क्या कहते हैं प्रदेश। आकाश का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका नाम प्रदेश है। जैसे आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। अब वो असंख्यात प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, जो उनका हलन चलन है, उसका नाम ही योग है। और वो हलन चलन अपने आप नहीं होता, वो मन वचन काया के निमित्त से होता है। जब मन से कुछ विचार करते हैं, वचन से कुछ बोलते हैं, काया से हलन चलन करते हैं, काया का मूवमेंट होता है, तो आत्मा के जो प्रदेश है उनमें भी परिस्पंदन होता है। अपने को दिखता मन वचन काया का परिस्पंदन है और उसके निमित्त से होता जो परिस्पंदन है वो आत्मा में है। तो जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है वो योग है, और वो योग कर्म आगमन का कारण है। तो वो योग कर्म आगमन माने आश्रम, द्रव्य कर्म का आना माने द्रव्य आश्रम। तो योग आश्रव का कारण है, तो वो कारण हो, कारण में काल का उपचार किया माने कारण को काल के दिया, तो योग से काल क्या हुआ, योग है कारण। किस काल का कारण है, कर्मों के आने का कारण है योग। तो कर्मों का आना तो हुआ काल है, और योग क्या हुआ कारण, और अपन ने कारण को ही कार्य कह दिया, तो योग को क्या कहेंगे आश्रय।
काय वाम मन कर्म योग स आश्रव। तत्वार सूत्र का छठे अध्याय का पहला सूत्र है, काय वचन और मन के निमित्त से जो चंचलता होती है आत्म प्रदेशों की, उसका नाम योग है और वह योगी आश्रव है। तो वहां प्रश्न किया कि योग तो आश्रव कैसे हो सकता है, आश्रव तो कर्मों के आने को कहते हैं, योग से आश्रव होता है तो योग तो आश्रव का कारण है, योग स्वयं आश्रव कैसे हो जाएगा। तो मैं उत्तर दिया, योग आश्रव का कारण है, हमने कारण को एक कार्य बनाकर योग को ही क्या कह दिया, आश्रव कह दिया। समझ वाली बात कुछ। यहां से टैक्सी में बैठे अपन बंबई जाने के लिए, तो बंबई गए, बंबई गए क्या, तो ट्रेन छूट जाएगी तो वापिस आ जाएंगे। लेकिन अपन उस कारण में कार्य का उपचार करो, वो तो गए, करते कि नहीं करते क्या। कोई व्यक्ति कोई कारण को प्रारंभ ही नहीं कर रहा, उसने कारण मतलब उसके कारण को प्रारंभ करते ही हम ये मान लेते हैं कि जैसे कार्य हो गया। ऐसे ही मनोरचन काय का निमित्त से जो योग हुआ तो उसके निमित्त से कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा, कर्मागमन होगा। तो हमने उस कारण में कार्य को घटित करके कह दिया कि योग है वही आश्रव है। अब ये जो योग, इससे कर्म आते तो हैं, मनोरचन काय की चंचलता के निमित्त से कर्म आते हैं, लेकिन ये कर्म आके रुकते किसके निमित्त से, वो काय से होता है, कौन से भाव से, तो आते हैं योग से और रहते हैं मिथ्यात्व कषाय से। आते कैसे हैं, योगों से आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठहर जाए तो दिक्कत है। मेहमान आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठहर जाए तो दिक्कत है। तो कर्म आए कोई दिक्कत नहीं है, आए और चले जाए। जैसे कोई आदमी अपने घर के बाहर ही बाहर टाटा करता हो, चला गया, कोई बात नहीं, ऐसे रोज आओ टाटा करके चल जाओ। वो आए रहे बहुत दिनों तक, घर में टिक जाए, निकलने का नाम ही नहीं ले, कैसे कहे उसको कि तुम जाओ, तो उससे खतरा है। बाकी अकेले कर्मों के आने से खतरा नहीं है, उनमें जो स्थिति पड़ती है उस स्थिति से खतरा है। स्थिति पड़ती है कैसे, मिथ्यात्व कषाय भाव से। इसलिए जिन्हें कर्मों को रोकना नहीं हो, यानी कर्मों में स्थिति नहीं डालनी हो, तो उन्हें मिथ्यात्व और कषाय भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग अपने हाथ में नहीं है, योग अपन नहीं रोक सकते। रोक सकते योग स्थिर होकर बैठ जाए, ध्यान से शरीर भी नहीं हिले, एकदम हिलते हुए को भी रोक ले, वचन से भी नहीं बोले, काय से भी चेष्टा नहीं करे, लेकिन मन के विकल्प तो चलते ही रहते हैं ना, मन में तो विकल्प चल रहे हैं, मन का काम तो चलेगा, मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा, और मन को भी कितने रोक ले, लेकिन तो भी जो उसका व्यापार है वो तो चलेगा ही ना। तो योग अपने रोकने से नहीं रुकता, योग अनंत भगवान भी नहीं रोक सकते। यदि रोक सकते होते तो भी अयोग्यों के केवल ज्ञान के मोक्ष, अयोग्यों के मोक्ष ही चले जाते। तो योग पे अपना नहीं चलता है, अपना काय पे चलता है, मिथ्यात्व कषाय वो अभाव कर सकते हैं, योगों का अभाव नहीं कर सकते। तो इसलिए योग आश्रव का कारण तो है, लेकिन योग बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण मिथ्यात्व कषाय भाव। इसलिए खतरनाक योग नहीं है, खतरनाक कौन है, मिथ्यात्व कषाय। ये जीव उल्टा करता है, ये जीव योगों के नाश का उपाय करता है, मिथ्यात्व कषाय के नाश का उपाय नहीं करता। आश्रव के पांच प्रत्यय कहे, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, योग लास्ट में जाता है, योग लास्ट में उसका नंबर। और हमारी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है, योग से। सबसे पहले हम योगों के अभाव का अध्ययन करते हैं, योग ठीक ठाक हो जाए, मन वचन काय की चेष्टा ठीक होनी चाहिए। ये थोड़ी सी किसी की काय की चेष्टा उठपटांग हुई, सब उसको टोकते हैं,
लेकिन जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व कषाय बैठे हुए हैं उसके नाश की कोई चिंता ही नहीं। क्या हाथ यू हो गया, अरे यू करना यू कैसे हो, तो वो तो है चिंता, लेकिन अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं उसकी कोई खबर नहीं। इसलिए जिनवाणी ने कहा कि जिन्हें कर्म बंद नहीं करना हो, कर्म आगमन से भी रोक सकते हैं, कर्म तो आएंगे लेकिन उस कर्मों की अधिक समय तक वो आत्मा में न रहे, वो आके चले जाए, ऐसा यदि तुम्हें करना है तो उसके लिए क्या मत करो, मिथ्यात्व को कषाय मत करो। यदि वो करोगे तो कर्म आएंगे भी रहेंगे भी, क्योंकि योग तो चलता रहेगा, आगे तक चलेगा। योगों के नाश का उपाय तुम नहीं कर सकते, अपना उपाय तो मिथ्यात्व और कषाय के नाश का वो कर सकते, वो अपना हाथ में। तत्व ज्ञान के बल से मिथ्यात्व का अभाव किया जा सकता है, और मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो कषायों का अभाव तो उत्तरोत्तर होता चला जाएगा, और वो हो गया मिथ्यात्व कषाय चली गई तो योग का तो नियम से अभाव होगा। और हमने योग यहाँ पे कितने ठीक भी कर लिए, लेकिन वो योगों का तो नाश होगा नहीं, वो मिथ्यात्व कषाय और चलती रहेगी, मैंने वहीं के वहीं खड़े रहे। जो पूरा अपना क्रम है वो क्रम ही सबसे पहले मिथ्यात्व के नाश का कहा है, सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, और अंत में योग। चल नहीं रहा देखो, तो यहाँ पे आश्रव किसे कहा, जो योगों की चपलता है उसी का नाम आश्रव है। जो योगन की चपलाई ता ते वे आश्रव भाई, जो योगों की चपलता है वही आश्रव है। ये तो एक पंक्ति में उन्होंने आश्रव का स्वरूप समझाया। अब दूसरी पंक्ति में जो मैंने कल बात कही थी ना कि आश्रव भावना में दो बातें बताई जाती है, एक तो आश्रव का स्वरूप और दूसरा आश्रव की दुख रूपता, तो दूसरी पंक्ति में उन्होंने दुख रूपता बताई। और मेन बात तो ये है, आश्रव की भावना कब कहलाएगी कि जब हम इस प्रकार से आश्रव का चिंतन करेंगे। किस प्रकार से, देखो दूसरी पंक्ति पढ़ते हुए, आश्रव दुख काल धनी रे बुद्धिवंत दीने नीर रे, आश्रव दुख काल घने रे, ये आश्रव कैसे है, दुखकारी है, घने रे, घने रे मतलब भयंकर दुखकारी। कौन सा आश्रव, द्रव्य आश्रव की भावाश्रव, भावाश्रव, ये जो कोर आग द्वेष के परिणाम है ये भयंकर दुखकारी है। बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, इसलिए बुद्धिमान जीव उनका निराकरण करता है, मैंने उनका क्या करता है, अभाव करता है। क्योंकि दुखकारी यदि कोई चीज है संसार में तो मोह राग द्वेष के भाव ही है, और कोई दुख का कारण नहीं। मोह राग द्वेष को दूसरे शब्दों में कहें, मोह का नाम है मिथ्यात्व और राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है, कषाय। तो ये मिथ्यात्व और कषाय दुख के कारण है, इसलिए बुद्धिवंत माने जो बुद्धिमान लोग हैं इन्हें निर्वेरे, वो उनके निवारण का उपाय करते हैं, इनके नाश का उपाय करते हैं। बुद्धिमान जीव आश्रव के नाश के लिए किसके नाश का उपाय करते हैं, मिथ्यात्व और कषाय। क्यों, क्योंकि वे दुखकारी, यदि सुखकारी होते तो अपन क्यों भाव करते। यदि कषाय सुखरूप होती, क्रोध मान माया लोग सुखरूप होते तो हम उसका अभाव क्यों करते। यदि मिथ्यात्व उल्टी मान्यता सुखरूप होती तो हम उसके नाश का उद्यम क्यों करते, लेकिन वे दुखकारी है इसलिए बुद्धिमान उसका निराकरण करते हैं, मैंने उसके अभाव का उद्यम करते। दूसरी बात यह है कि इसका निरंतर चिंतन करना, आश्रव दुखकार घने रे, आश्रव भयंकर दुखकारी है, ये इसका निरंतर चिंतन ही आश्रव भावना है। भावना का मतलब ये होता है कि किसी विषय का निरंतर चिंतन किया जाए बारंबार, जैसे जिसकी अपनी रुचि होती ना उसका चिंतन अपने से निरंतर होता है, ऐसी आश्रव की दुखरूपता का निरंतर चिंतन करना उसका नाम आश्रव भावना है। और वो आश्रव भावना कौन से तत्व का कारण है, संवर तत्व का कारण। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। कल अपन ने और विचार किया था, अपन ने आश्रव के ऊपर लगाया था ना,
आश्रव आकुलता के कारण है वर्तमान में, इसलिए दुख के दुख रूप है। वर्तमान में दुख रूप है आकुलता के कारण होने से, और भविष्य में भी दुख के कारण है। क्यों दुख के कारण है? क्योंकि आश्रव भाव कर्म बंध के हेतु होने से उनका जब काल आगामी काल में उदय आता है तो जीव पुनः दुखी होता है। इसलिए आश्रव वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य के लिए भी दुख रूप है, क्योंकि मोह राग द्वेष भाव आकुलता के कारण है, और आकुलता वो क्या है? दुख है। कषाय जब भी उत्पन्न होती है मिथ्या तो कषाय भाव, तो जीव निराकुल अवस्था में रहता है कि आकुलित होता है? आकुलता होता है। तो इसलिए मिथ्या तो कषाय भाव आकुलता के कारण होने से क्या दुख रूप है, और इसके निमित्त से कर्म बंद होता है, उसके उदय होने से फिर आकुलता होती है, फिर दुखी होता है। अभी भी दुख के कारण है, आगामी काल में भी दुख के कारण है। कौन? मिथ्यात्म कषाय। अब देखो बोले इसमें से पढ़ते थोड़ा बाला भाव निकालो आप। पेज नंबर 4 मिला सबको। जो सर जल आवत मोरित्यो आश्रव कर्मन को दर्वित जीव प्रदेश कहे जब पुद्गल मर्मन को भावित आश्रव भाव शुभाश अनमेत्यात्म योग पंद्र द्वादश अविरत जानो पंचर बीस कषाय मिले सब सत्तावन मानो मोह भाव की ममता टारे परमण तिखोते करे मोक्ष का यतन निराश ज्ञानी जन होते। जो सर जल आवत मोरी, सर माने सर मैंने क्या है? सर कि मैं सर, कौन सा सर है यहाँ पे? सर कितने होते हैं ना, सर सर किसको कहते हैं? इंग्लिश के अंदर भी सर है और सर माथे को भी कहते हैं, और सर का यहाँ क्या अर्थ है? सिद्धवलपुर किसने कहा? सर माने सरोवर, और सरोवर में जल आता है कहाँ से? मूरी से। सरोवर में पानी की ऐसी मूरिया हमने, पानी आने के उसके दरवाजे होते हैं, मूरिया होती है, नहरें होती है, नहरे से या पानी के नालों के अंदर मूरियों से, तो उससे सरोवर में जल आता है, क्योंकि जल आने की उसकी कोई कहते स्ट्रीम्स पानी के अंदर होती है ना, ऐसे आने की स्ट्रीम्स होती है, छोटी 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 स्ट्रीम्स, छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी लहरों से सरोवर पूरा भर जाता है। तो जो जिस प्रकार से सरोवर में मूरी से जल आता है, जो सर मैंने सरोवर में जल आवत मोरी, जल आता है कहाँ से? मोरी से, ये उदाहरण हुआ। त्यो आश्रव कर्मन को, जैसे अपने में क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है, जैसे सरोवर में जल आ रहा है ऐसे जीव में कर्मों का आगमन हो। दर्वित जीव प्रदेश गए, ये दर्वित का क्या अर्थ? दर्वित है क्या? दर्वित का अर्थ है यहाँ पे राग द्वेष परिणाम से युक्त, चिकने युक्त। जैसे पहलवान आदमी है, वो पहलवान आदमी कुश्ती लड़ता है अखाड़े में, वो हाथ में तलवार है, और तलवार से वो मेहनत करते हैं, तलवार से व्यायाम वगैरह करते हैं, तो व्यायाम करते समय क्या होता है कि वो बहुत सारे जैसे कभी कोई केले वेले के झाड़ वगैरह हैं तो उन पे अपने तलवार का प्रहार करते हैं, ते केले के ताड़ के इसके जैसे चलाते नहीं करते, तो अभी आदमी पे चला देते हो तो इसलिए वो आदमी पे नहीं चलाते, केले की बाढ़ ताड़ वाड़ पे चलाते हैं, तो क्या होता है वो उनका सबका छेदन भेदन कर देते हैं, चेतन अचेतन वस्तु का। और अब वो खूब देर तक व्यायाम करता है, और व्यायाम करने के बाद में बाहर निकलता है तो धूल से लथपथ पाया जाता है, तो वो जो धूल से लथपथ हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो वहाँ धूल से लथपथ है तो एक तो उसके हाथ में वो तलवार से उसने छेदन भेदन किया, उसके कारण से धूल से लथपथ है, धूल है इसलिए लथपथ है।
कारण से वो लखपत हो रहा है, क्योंकि वो तेल लगा के जाता है। यदि वो तेल नहीं लगाए और घंटे भर तक भी व्यायाम करे तो भी वो चिकनाई उस धूल से चिपकेगा, उसके धूल से चिपकने का कारण एक ही रहता है, वो तेल। आप कितनी देर धूल में लोट लो, यदि तेल नहीं है कुछ भी, चिपकेगी नहीं। और वो क्या होता है कि जो व्यायाम में अखाड़े के अंदर जो व्यायाम करने जाते हैं ना, ये सब तेल लगा के जाते हैं। अभी क्यों तेल लगा के जाते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं तेल लगा के जाते हुए देखा हूँ। तो क्या होता है कि तेल होता है ना, उससे वो धूल उनको चिपकती है। तो ऐसे ही ये जीव इस संसार में है, तो कहते हैं कर्म वर्गणा इसके बंद का कारण है। यदि कर्म वर्गणा बंद का कारण हो तो सिद्धों को भी बंद होना चाहिए। जिस स्थान में सिद्ध भगवान है वहाँ कर्म वर्गणा है कि नहीं है? वहाँ भी है, लेकिन कर्म वर्गणा होने से कोई बंधता नहीं है। क्या तो बंधता कैसे है? मोल आग्रह भाव से, इसलिए वो जीव वहाँ है, मोल आग्रह भाव नहीं कर रहा है तो कर्म से नहीं बंध रहा है। तो उसके बंधन का कारण मोल आग्रह भाव। समय साल में कलश आता, किसी ने सुना हो कभी? कारमान वर्गणा सो जग में न बंधे जी, बंधे न कारमान वर्गणा सो जग में न बंधे जी, और बंधे न चेतन अचेतन की हिंसा सो, हिंसा सो न बंधे जी, और भोग सो न बंधे जी। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, कैसे बंधता है? एक अशुद्ध उपयोग रागादि भाव रूप उससे बंधता है, चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं बनता है। मैंने जो धूल चिपकी वो किसी पेड़ के कटने से उसके कारण से चिपकी नहीं, धूल के कारण धूल चिपकी नहीं। ऐसे कर्म वर्गणा के कारण धूल चिपकी कि नहीं, धूल के चिपकने का कारण क्या है? मन वचन का है कि चंचलता के कारण धूल चिपकी नहीं, धूल चिपकने का एकमात्र कारण चिकनाई है। तो द्रवित माने चिकनाई, तो जब ये जीव चिकनाई से युक्त है, द्रवित है, माने द्रवित माने चिकनाई युक्त है। चिकनाई काई की यहाँ पे स्निग्धता, चिकनाई माने मोह राग द्वेष की चिकनाई, रागादि भाव की चिकनाई। तो वो रागादि भाव की चिकनाई से जब युक्त है तो द्रवित जीव प्रदेश गहे, तब जीव किनको ग्रहण करता है? प्रदेशों को। कौन से प्रदेशों को है? उद्गल कर्म वर्गणा के प्रदेशों, माने कर्म के जो परमाणु होते हैं उनको प्रदेश कहा है। कर्म के जो परमाणु है उनका नाम क्या है? प्रदेश। तो उद्गल को ग्रहण करता है कर्म रूप से। तो जब भी ये जीव राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो औद्गलिक परमाणुओं को कर्मत्व रूप से ग्रहण करता है। उसको कहा उन्होंने दर्वित जीव प्रदेश गहे तप, अरे जीव राग द्वेष किए तो तत्काल क्या होता है? पुद्गल वर्गणाएं क्या होती है? कर्म रूप से परिणत जाता है। बिल्कुल, अब मतलब एकदम इतनी ईमानदार है कि जितने अंशों में जीव राग करेगा उतने अंशों में तत्काल उसके कर्म बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो उसको धोखा दे दे, राग तो करे और कर्म को चकमा दे दे, बंधे ही नहीं, पता ही चले उनको किसने इतना राग किया, ऐसा संभव ही नहीं। ऐसा नित्य संबंध है, जीव के जितने अंशों में राग भाव होता है उतने अंशों में तत्काल उसके कर्म बंद होता है, उतने कर्म आते हैं बंद जाते हैं। तो जो जीव रागादि भाव से युक्त है वो प्रदेशों को माने कर्म के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, पुद्गल भ्रमण को। और काय के कारण है वो कर्म वर्गणा आगामी काल में किसके कारण बनेगी? भ्रम उत्पन्न करने का, माने जब उसका उदय आएगा उन कर्मों का, जब उदय आएगा तब क्या करेंगे वो कर्म? इस जीव को पुनः मोह राग द्वेष भाव होने में निमित्त कारण होंगे। जैसे अभी अपन ने पेड़ में बीज लगाया किसी आम का, अब आम का जब फल आएगा तब क्या होगा? मीठे मीठे फल आएंगे। ऐसे कर्म का बीज बोया, जब लगेगा बीज का जब फल आएगा तब क्या मिलेगा? जिस भाव से बांधा है वही भाव पुनः होंगे। बोएगा आम, बोएगा यदि आम का पेड़ तो आम ही निकलेंगे, तो मोह राग द्वेष भाव से कर्म बांधेगा तो जब कर्म का उदय होगा तब पुनः क्या होगा? मोह राग द्वेष भाव ही होंगे। करेला बोएगा तो करेला ही होगा, नीम होएगा तो नीम पूर्ण निकलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो जाएगा? ऐसे मोह राग द्वेष भाव से कर्म बांधेगा
कर्मों के उदय में पुनः राग द्वेष प्रणाम करे। भावित आश्रव भाव सुभाषो, अभी क्या करता है जीव, भावित आश्रव भाव सुभाषो, माने भाव आश्रव रूप भाव इसके होते हैं ना, वो भाव आश्रव रूप भाव कैसे हैं, सुभाषो, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव ये भाव भाता है माने करता है। निश दिन चेतन को, रात दिन चेतन को, मैंने रात दिन ये जीव वो राग द्वेष में सुभाषु भाव करता है, और उन सुभाषु भाव से जीव को क्या होता है, पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को, मैंने शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव करे, ये दोनों ही कर्म बंधन के कारण है। इतना जरूर है कि अशुभ भाव करेगा तो कौन सा कर्म बंधेगा, पाप, और शुभ भाव करेगा तो पुण्य बंधेगा, लेकिन पाप पुण्य के दोनों कर्ता, लेकिन हे भी दोनों कह के कर्म बंध के कारण है, माने ये जीव शुभाशुभ भाव करेगा तो उससे रात दिन चैतन्य पाप और पुण्य कर्म को बांधेगा, और उन दोनों से क्या पड़ेगा, ये बंधन में ही पड़ेगा, चाहे पाप का बंधन करे चाहे पुण्य का बंधन करे, लेकिन वो हे जीव के लिए बंधन। इसके लिए समय साल में उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया, चाहे लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी, दोनों का काम क्या है, बांधने का। कोई आदमी यदि अपन किसी से मिलने जाए जेल में, रोके आपने देखी कि नहीं, क्या जी जेल कितनी बढ़िया, बिल्कुल तिहाड़ है, ये तिहाड़ या ऐसे वैसे नहीं आते हैं, बड़े बड़े वाले लोग आते हैं यहाँ, क्या इसका आपने नाम ही सुना होगा, आज आपको मेरे निमित्त से इसके दर्शन भी हो गए। अपन कहेंगे भैया ये जेल है ना, जेल तिहाड़, तो ये खोटे रूप में कुख्यात है, ख्यात और कुख्यात, तो ख्यात नहीं है, ये क्या है, कुख्यात। भले और मैं कहता हूं किसी कैदी को 5-star होटल में ठहराया जाए और वो अपने से परिवार वालों को बुलाए, मेरे को देखने आओ, देखो कितनी बढ़िया होटल में ठहराया है, तो होटल में ठहराया कि होटल बंधन है, जेल है। यदि किसी कैदी को अच्छे कपड़े भी पहना दिए जाए, अच्छा थोड़ा बहुत खाने को भी मिल जाए, लेकिन वो दशा उसकी अच्छी है कि बुरी है, बुरी है, ऐसे इस जीव को बंधन है, काय का बंधन है, पाप और पुण्य दोनों का बंधन है, तो पाप के उदय में तो इसको लोहे की बेड़ी मिली और पुण्य के उदय में इसको सोने की बेड़ी मिली। अब बेड़ी भले ही सोने की मिली हो, लेकिन काम क्या कर रही है, बांधने की कर रही है ना, कोई ऐसा तो ही नहीं कि सोने की बेड़ी निकाल के बाजार में बेचिया उसको, वो तो बांध रही है, और जब तू यहाँ से जाएगा तो वो सोने की बेड़ी ले जाने को नहीं मिलेगी, सोने की बेड़ी यही ले जाएगी। काम क्या है उसका बताओ, जेल के अंदर अच्छी बढ़िया साकल से बंधे, चाहे कमजोर साकल से बंधे, मतलब कमजोर बंधे गंदी साकल से बंधे, चाहे अच्छी साकल से बंधे, अच्छी डिजाइन वाली साकल से बांध दो आप, और कम डिजाइन वाली साकल से बांध दो, लेकिन है तो दोनों बंधन, तो ऐसे ही चाहे वो जीव को पाप बंधन है चाहे पुण्य बंधन है, दोनों कर्म बंधन संसार के कारण, पुण्य बांधेगा देवगति में रहेगा, पाप बांधेगा नरक में रहेगा, लेकिन संसार का अभाव नहीं होगा। आश्रव भावना में न केवल अशुभ कर्म के आश्रव को दुखकारी चिंतन किया है, अपितु शुभाश्रव को भी दुखरूप चिंतन किया, क्योंकि जो जीव कर्म मात्र को नहीं चाहेगा उसके कर्म का अभाव होगा, और यदि अपने श्रद्धा में है कि नहीं पाप पुण्य, वो अपन पढ़ा ना भी आश्रव दुख कार घनेरे, पापाश्रव दुख कार घनेरे और पुण्य आश्रव तो सुख कार घनेरे, तो उसके आश्रव भावना का चिंतन अभी पूरा नहीं है। आश्रव भावना का पूरा चिंतन तो तभी कहलाएगा जब आश्रव मात्र क्या है, दुख रूप है, पापाश्रव पुण्याश्रव, प्रवृत्ति भले उसकी शुभ परिणाम रूप होगी, लेकिन उस शुभ परिणामों को भी वो श्रद्धा में क्या मानेगा कि ये भी कैसे है, दुख रूप है, हे छोड़ने के लिए ये भी बंधन है, तो उसके आश्रव भावना तो दोनों लिया ही होगा, पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को, वो इस जीव को शुभाशुभ भाव क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं, बांधते ही दोनों। एक जो है एक चांडालनी के दो पुत्र थे,
ए है ना, और वो दोनों पुत्र थे, एक पुत्र तो चांडाल जी के पला बड़ा और एक पुत्र योग से क्या वो ब्राह्मणी क्या चला गया, घूम गया वो किसी ब्राह्मणी क्या गया हो, किसी ब्राह्मणी को मिल गया मतलब, और ब्राह्मणी के ही पला बड़ा। तो एक तो कहता है एको दूरा त्यजति मदिरा, एक तो दूर से मदिरा का त्याग करता है, कौन ब्राह्मण, और एक उससे नहाता है मैंने स्नान मतलब उसको कहता है कि ये तो मेरे कुल का अमृत है, और दोनों अपने अपने जाति के अभिमान से भयंकर मदमस्त रहते, और एक अपने को ब्राह्मणत्व के अभिमान से अपने को महान मानता है, लेकिन वो दोनों है किसके पुत्र, दोनों शूद्र चांडाल जी के पुत्र है ना, ऐसी ये दोनों को एक ही कर्म के पुत्र कहा है, इन दोनों को पाप और पुण्य दोनों, समझे ना, इन दोनों में संसार की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संसार के कारण, तो पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को हम इनके देखो सब 57 के भेद गिनाए, पन मिथ्यात, मिथ्यात कितने भेद, पन पन मतलब पांच, कौन कौन से, बहुत बढ़िया, मिथ्यात की मिथ्यात भेद हो जाएगा, तो मिथ्यात का अविरति भेद हो जाएगा, वो पढ़ा आलोचना पाठ उसमें आते हैं मिथ्यात के पांच भेद, नहीं मालूम और किसको मालूम, अंकित मिथ्यात के पांच भेद आलोचना पाठ नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा नहीं, पढ़ा याद नहीं आ रहा है, चलो बताओ रश्मि जी बताएंगे, हाँ बताओ इनके नाम बता दो पांच, हाँ और एक और बच गया, अज्ञान विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे, विपरीत इच्छा किसे कहते हैं, इधर से उल्टी मान्यता के तो मिथ्यात कहते हैं, विपरीत किसे कहते हैं, विपरीत मिथ्यात पूछो ना, विपरीत एक उदाहरण दो विपरीत मिथ्यात का, हाँ बताओ, अहिंसा में धर्म मानना और अपनी बुद्धि से संक्रांति की चढ़ा खाना, दिहाली विधि पटाखे आना, और भी बहुत सारे काम, रोड पीच पे रोड खाना, रोड भी खाने को मिल जाए धर्म भी हो जाए, टू इन वन, क्या इससे बढ़िया धर्म है, क्या खाने पीने को मिले धर्म का धर्म, लोगों को प्रसाद, अरे तो खाने को मिले क्या, तो ये विपरीतता, विषय कषाय में धर्म मानना, पाप में धर्म मानना, हिंसा में धर्म मानना, खासकर एकांत मिथ्यात, हाँ एक ही पक्ष, जैसे उदाहरण, अरे क्या है जैसे, हाँ तो क्या उदाहरण बता रहे का, जैसे क्या, कोई सा भी उदाहरण बताओ, और कौन बताएगा, नहीं एक मिनट उनको लोगों बताना, तो बताओ, हाँ अरे विपरीत हो गया तो अजीब अजीब मन नहीं, जैसे जीव का स्वरूप है आत्मा, तो आत्मा को, आत्मा कैसा है, आत्मा नित्य नित्य आत्मा है ना, और आत्मा को अकेला क्या मानना, नित्य मानना, अकेला नित्य मानना, ये क्या है, एकांत माने एक ही धर्म को स्वीकार करना, वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म, दोनों धर्म है, आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, जैसे कोई व्यक्ति है, अब आपको अभी तो आप पिता हुए नहीं, किसी और जो पिता उसकी बात करते हैं, प्रमोद जी की बात कर लेते हैं, तो ये पिता भी है और पिता ही मानना है इनको, तो पिता ही मानना, ये क्या हुआ एकांत, जबकि पिता भी है और पुत्र भी, बिना पुत्र के कोई पिता हो सकता है,
ये तो हो सकता है कि पिता ना हो, लेकिन पुत्र के पिता संभव ही नहीं, तो वो उसको एक ही मानना नहीं है। तो पिता होंगे तो पुत्र कैसे होंगे? तो अलग अलग अपेक्षा से दोनों धर्म उसमें एक साथ है, पिता भी है पुत्र भी है। जैसे कोई लड़की बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भांजी भी है, और जो जो भी दुनिया भर के रिश्तेदार, तो वो अलग अलग अपेक्षाएं से उसमें अनेक धर्म एक साथ विद्यमान है। उसमें से किसी एक ही धर्म को मानना और बाकी सबका अभाव मानना, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत एकांत, विनय मिथ्यात्व। इसे आत्मा पे भी लगाओ अपन, तो आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तो आत्मा के एक नित्य पक्ष को ही स्वीकार करना, अनित्य पक्ष का अभाव करना, ये एकांत मिथ्यात्व। हाँ, विनय मिथ्यात्व बताओ, इधर वालों से पूछते विनय मिथ्यात्व कौन बताएगा? विनय मिथ्यात्व बताओ अर्चना जी। सब धर्मों को समान मानना, टके से भाजी टके से खाए, अपन तो सबसे राग द्वेष किसी से नहीं करते, सबसे चले क्या? मैंने कहा तुम तो एक काम करो, दूध में और शराब में भी राग द्वेष क्यों करते हो? तो ये भी पी लेते हैं, ये पी लेते, राग द्वेष क्यों करें किसी चीज से? अरे जो चीज होगा उससे राग द्वेष क्या, राग द्वेष ही है शराब को छोड़ना और दूध पीना, तो ये राग द्वेष ही विवेक है, विवेक है। ऐसे कुदेव कुगुरु कुधर्म को छोड़ना, जो देवशास्त्र गुरु जिनमें जिनमें गुण है उन्हीं को मानना, ये तो विवेक की बात है। और वैसे भी दो को माना कैसे जा सकता है, एक किरा हिंसा में धर्म है, एक किरा हिंसा में धर्म है, ये तो दोनों को ही मानता हूँ। एक किरा दो दो चार है, एक किरा दो दो पांच है, ये तो दोनों को ही मानता हूँ, मैंने इसको कुछ भी अकल नहीं। ऐसे लगता है ऐसा है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी वाला आदमी कितना अच्छा है, बहुत परम वीतराई भैया, लेकिन वो परम वीतराई नहीं, परम मूर्ख है, और अपनी मूर्खता का द्योतक कर, अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। विचार विवेक नहीं होगा अपन तो भैया क्या है, सोने ही तो खरीदना है, कहीं भी दुकान से जहाँ मिल जाता है, मतलब कभी तो मैं तो पीतल को भी सोने समझ के ले आता हूँ, भाव है उसमें, अपन तो पीतल देखो और समझो अपन तो सोने ही पहन रहे हैं। ऐसे लोग बात करते हैं, मैं तो भगवान, मैं तो जो भी कोई पत्थर होता है उसमें से देखता हूँ आँख बीच के, भगवान ही है साक्षात, और मैं ढोक दिया था, मैं बहुत बढ़िया है। कल से एक काम करना कि तू यही भावना बना, नहाने के बाद कपड़े पहनने के, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, खाने के अंदर मैंने खाना खा लिया है, सोना चांदी मैंने पहन रखा है, वो वस्तु तो जो चीज होगी उसी से चलेगी ना। ऐसे तेरे भाव करने से क्या भाव करना है, तो तू सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने जाके भाव करना, या दूसरी जगह जाके और उनको क्यों भाव कर रहा है? तेने पीतल, हमें तो अपने को फीलिंग तो सोने की हो रही है, तो हो रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, दुनिया में सारी सोने की दुकानें बंद हो जाएगी कल से। लेकिन किसी महिला से कह दो आप, तुम भाव ऐसे करो, काहे के भाव पीतल बिना पीतल की अंगूठी दे उसको ले गिफ्ट, तो भाव ऐसे करना कि सोने ही है ये, तो क्योंकि मेरे को भी समझ रखा हो रहा है, अरे जो चीज होगी उसका तो भाव वही होगा ना। तो ऐसे जिन्हें भगवान होंगे तो उनके सामने देव, उनके सामने भक्ति का भाव आएगा, अन्य किसी के सामने नहीं आ सकता। अन्य को आए पूछने का भाव दर्शन का भी, तो मिथ्यात्व है कौन सा? विनय मिथ्यात्व, रीत एकांत में संशय मिथ्यात्व। ये सच है कि ये सच है? संशय, संशय के डोले में झूलता है, ये भी हिंसा वैसा लगता है कि सब, ये भी राग भी धर्म है, वितरागता भी धर्म है, पता नहीं कौन है भैया। जैसे ये ऊपर ने बताया था ना, मैं शरीर हूँ कि आत्मा, मंदिर में आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं आत्मा हूँ, और घर जाते जाते ऐसा लगता है मैं तो शरीर ही हूँ। संशय के डोले पर बैठा रहना संशय मिथ्यात्व, और अज्ञान, कुछ पता ही नहीं अपने को, तो बिल्कुल कोरे कपाट क्या, और ना अपने को पता है और ना पता करने की कोई इच्छा, क्यों जाने जिसका, तो दाल रोटी कमाओ खाओ मस्त रहो। तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व, मैंने वस्तु स्वरूप के प्रति पूरी तरह से अनजान रहना। जैसे पांच मिथ्यात्व के भेद, सब आश्रयों के भेद इसलिए बता रहे हैं, पन मिथ्यात्व, पन माने पांच, ये पांच मिथ्यात्व के भेद हो गए, अविरत पन मिथ्यात्व, योग पंद्रह, योग पंद्रह है, पंद्रह योग के नाम क्या है? ज्ञान चौ पंद्रह, किस किस को याद है, हाथ खड़ा करने, चलो बताओ अमित जी बता दो आप,
हैं, चार योग, योग 15 योग, ये प्रमात्य भेद है 15। मालूम 15 योग के नाम? अच्छा, और किस किस को मालूम है? आपको मालूम है? हाँ बता दो। चलो आप, हाँ याद याद, चलो और कौन बताएगा? हाँ ख्याल में आ गया, चलो बता दो, पीछे पाठ नीचे बता दो। हाँ अब चार मनोयोग के नाम आप बता दो आगे। ये चार ही मनोयोग है और चार ही ये वचन योग। अब सात काय योग के नाम किसको याद है बताओ? सात काय योग के नाम, चलो आपको याद है भाभी जी, बता दो आपको, बता दो जिन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ सात काय योग के नाम, नहीं नहीं काय योग सात मालूम है, सकाय योग के नाम। हाँ 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 वही क्या नाम है सात के? चलो बता दो। बहुत बढ़िया, औदारिक वैक्रियक और आहारक, ये तीन शरीर और इन तीनों के मिश्र हो गए छह, और एक कारमांड काय जैसे सात काय। अपने को कौन सा चल रहा है काय? यदि अपना चल रहा है तो कौन सा चल रहा होगा? औदारिक काय, औदारिक काय के निमित्त से योग हो रहा है। वैक्रियक शरीर रहेगा तो वैक्रियक काय हो, आरक शरीर रहेगा तो आरक काय हो। जब तक औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक औदारिक मिश्र, तब तक वैक्रियक शरीर की पर्याप्ति नहीं होती अंतर्मुहूर्त तक वैक्रियक मिश्र कारमांड एक दो तीन समय के लिए कारमांड काय हो। आरक शरीर की जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती आरक मिश्र काय हो। तीनों मिश्र काय योग का काल अंतर्मुहूर्त है, कारमांड काय योग का काल तीन समय, अधिक से अधिक कम से कम एक समय, और औदारिक मिश्र विक्रियक मिश्र आरक मिश्र का काल अंतर्मूलक, और औदारिक का विक्रियक का कारमान का औदारिक विक्रियक आरक का आरक शरीर का काल कितना होगा? आरक शरीर कितने समय तक रह सकता है मालूम कौन सा होता है आरक शरीर? देखा आर करते हुए नहीं देखा किसी को आरक्षण कितनी देर तक रहता है आरक्षण? है आठ समय नहीं रहता है अंतर्मुहूर्त, आरक्षण की स्थिति अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहती अंतर्मुहूर्त। अच्छा औदारिक का योग, तो औदारिक तो ये मनोयोग भी आ जाते हैं वचन योग में आ जाते हैं। औदारिक का योग किसको रहेगा? जिसको अकेला काय ही है, अपने तो वचन भी है ना, तो अपन कभी काय योग से वचन योग में आ जाते हैं, कभी वचन योग से मनोयोग, फिर मन से वचन, वचन से काय, अपने जो का, अपना जो भी योग रहता है मन वचन काय का वो एक अंतर्मन से अधिक नहीं रहता। हाँ अब वो एक इंद्रिय में जिसकी मैक्सिमम आयु होती है किसकी होती है? 22,000 वर्ष की होती है, तो 22,000 वर्ष में शुरू का एक अंतर्मन घटा दो, जो एक अंतर्मन कम 22,000 वर्ष है वो उदारिक औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल तीसरा अंतर्मन। पंचेंद्रीय संगी का हर चीज अंतर्मन चलती है, जिसके एक काय ही है औदारिक काय तो उसके न वचन योग होगा न मन योग होगा। काया में औदारिक काय ही है, औदारिक पर्याप्ति पूरी हो गई अंतर्मन में, अब अंतर्मन तो पर्याप्ति पूरी होने के बाद में जो 22,000 वर्ष तक जो योग होगा उसको वो औदारिक काय होगी। ये समझ नहीं आ रही कुछ? नहीं एक काल में एक ही होता है मन वचन काय, एक काल में एक, जिस काल में आरक शरीर की पर्याप्ति पूरी हो रही होती है उस काल में जो योग होता है वो आरक मिश्र कहलाता है। आरक शरीर के पहले आरक शरीर की पर्याप्ति होती है, पर्याप्ति पूरी होने के बाद आरक शरीर बनता है, सब एडवांस स्टेज का। किसमें? अंतर्मन में, अंतर्मन 48 मिनट के अंदर अंदर सब।
अंतर नोड़ मैंने 48 मिनट के अंदर भीतर भीतर सब परिस्पंदन एक के निमित्त से होगा। परिस्पंदन अलग चीज है, योग अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है, सब अलग अलग है। तो परिस्पंदन एक काल में एक के निमित्त से होगा। वो समय इतना सूक्ष्म होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये सात काय योग है, चार वचन योग, चार मन योग। चलो वचन योग क्या है, चार सत्य असत्य उभय अनुभय। सत्य वचन योग क्या है बताओ अंकित, सत्य वचन योग क्या है? सत्य के ना, सही बात है, सत्य के ना, वो सत्य वचन योग है। असत्य वचन योग असत्य के ना, उभय वचन योग सत्य और असत्य का मिश्रित रूप। उदाहरण कोई सब अश्वत्थामा माना गया, सत्य भी और असत्य भी है, उभय वचन योग है। और हे राम, हे किशन, हे कन्हैया, जो भी नाम है, तो कोई को आमंत्रणी भाषा जिसमें कोई सत्य का संबंध भी नहीं है और असत्य का संबंध भी नहीं है। जो न सत्य है न असत्य है वो अनुभय है। किसी को संबोधन से बुलाना, आमंत्रण देना, आप इधर आइए, ये सत्य सत्य से रहित है, इसलिए अनुभव है। तो चार प्रकार के जो वचन है उनके लिए जो जो प्रकार का, जो चार प्रकार के जो वचन है तो उनमें होने वाला जो योग भी है उसका नाम भी उस वचन के आधार पर पड़ जाएगा। यदि वो सत्य वचन के लिए है योग तो वो सत्य वचन योग है, असत्य वचन बोलने के लिए योग है तो असत्य वचन योग है, सत्य असत्य मिश्रित वचन के बोलने के लिए तो उभय और नहीं तो अनुभय, जो न सत्य न सत्य। चार प्रकार के वचन योग हो गए। जैसे मन में सत्य चिंतन सत्य मनोयोग, असत्य चिंतन असत्य मनोयोग। मन में सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसा चिंतन उभय मनोयोग, जो न सत्य न असत्य है अनुभय मनोयोग है। औदारिक काय योग, औदारिक काय योग के औदारिक काय योग है, वचन योग भी है, सत्य वचन योग है, अनुभव वचन योग है। योग निरोध के समय तो कोई योग है ही नहीं, वो योग निरोध जब हो चुका है कि योग निरोध कर रहे हैं तब, जब कर रहे हैं तो क्रम क्रम से अभाव होता है। पहले बादल, पहले वो बादल बादल मनोयोग का निरोध होता है, बादल वचन योग का, फिर बादल काय योग का, फिर सूक्ष्म मनोयोग का, फिर सूक्ष्म वचन योग का, सूक्ष्म काय योग में आते, सूक्ष्म काय योग में आके वो उसका अभाव करके अयोग्य होता है। वो सब विधि है कोई, उसकी जब निरोध करते तो उसमें टाइम लगता है। वो ऐसा तो है नहीं कि वो बस, ये पहले बादल का निरोध होता है, बादल मन वचन काय, फिर सूक्ष्म मन वचन काय। अंतर्मुहूर्त एक अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाता है फटाफट। जो निरोध होता है ना, निरोध की प्रक्रिया एक अंतर्मुहूर्त चलती है। शास्त्र में आता है उन्होंने योग निरोध प्रारंभ कर दिया, तो वो योग निरोध प्रारंभ माने योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बाकी असली जो योग निरोध होता है वो एक अंतर्मुहूर्त नहीं होता, प्रोसेस चालू है। हाँ, मनोयोग जो है वो उपचार से कहा उनके द्रव्य मन होने से, उनके कोई मन से सोचना नहीं।